हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इनोवेशन। आज है 30 जुलाई 2019 और आज हम डिस्कस करेंगे 30 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर की न्यूज़। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ है येदियुरप्पा विंस ट्रस्ट वोट। अभी कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं बीएस येदियुरप्पा, जो कि बीजेपी को बिलोंग करते हैं, और इन्होंने अब असेंबली में ट्रस्ट वोट भी विन कर लिया है, ट्रस्ट वोट भी जीत लिया है। अब यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट आई है, अगले 6 महीने तक गवर्नमेंट स्टेबल मानी जा रही है, बिकॉज अब 6 महीने के बाद ही जो भी 17 डिसक्वालिफाइड MLAs थे उनका इलेक्शन की प्रोसेस पूरी होगी, और उनके आने के बाद क्या कंडीशन बनती है वो इलेक्शन के बाद ही क्लियर होगी। बट एज ऑफ नाउ अभी के लिए बीजेपी लेड बीएस येदियुरप्पा नए चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका स्टेट के, और साथ ही साथ कर्नाटका के जो असेंबली के स्पीकर हैं उनके द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया गया है, बिकॉज नई गवर्नमेंट आ गई है। तो इन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत 17 MLAs को डिसक्वालीफाई कर दिया था अंडर डिफेक्शन, और ये जो डिसक्वालिफिकेशन किया गया था स्पीकर के द्वारा, ये डिसक्वालिफिकेशन पूरे असेंबली के टर्म के लिए किया गया था। और अगर हम बात करें ये जो लॉ है एंटी डिफेक्शन लॉ, ये 1985 में लाया गया था, जो 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, और ये 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राजीव गांधी सरकार के टाइम लाया गया था 1985 में। इसको इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर 10th शेड्यूल। तो हम ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ये इंपॉर्टेंट लॉ है एंटी डिफेक्शन लॉ 1985, 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू ये डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इंपॉर्टेंट है। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो टाइगर सेंसस के बारे में है। अभी टाइगर सेंसस रिलीज की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इस टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग अभी 2018 में जो टाइगर का जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 2976। ये जो टाइगर सेंसस है या इसको बोलते हैं नेशनल टाइगर काउंट, इसको हर चौथे साल में किया जाता है, हर 4 साल में किए जाने की एक्सरसाइज है ये, और ये 2006 से लगातार की जा रही है हर चौथे साल। 2006 में जो इसकी जो काउंट थी टाइगर पॉपुलेशन की, ये 1411 थी, 2010 में बढ़कर 1706 हो गई, 2014 में 2226 और 2018 में 2976। तो इस तरह से इस टाइगर पॉपुलेशन के थ्रू ये पता चलता है कि टाइगर की जो टोटल पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेट्स की, और स्टेट्स के जिनमें टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो नंबर वन स्टेट है इस सेंसस के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पे आता है कर्नाटका, और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड। सो मध्य प्रदेश में जो टोटल टाइगर की संख्या है वो है 526, और इससे केवल 524 है कर्नाटका में, और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड में 442। इसके साथ ही साथ जो वर्स्ट स्टेट हैं जिनमें टाइगर की संख्या कम हुई है, घटी है पहले से, यह है छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम। छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम दो ऐसे स्टेट हैं जिनमें टाइगर की संख्या घटी है, और बाकी सारे स्टेट में पॉजिटिव ग्रोथ ही देखने को मिला है। अब पेंच टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, इसमें टाइगर सबसे ज़्यादा है क्वांटिटी में, है सबसे ज़्यादा संख्या में है। तो कंट्री का वो टाइगर रिजर्व जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर है वो है पेंच टाइगर रिजर्व, और इसके साथ ही साथ वो टाइगर रिजर्व कंट्री का जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हुई है वो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है। तो पेंच टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर है, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है टाइगर की कंडीशन में। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आती है। इसके अलावा जो अगली न्यूज़ है, GI टैग प्रोवाइड किया गया है, दिया गया है उड़ीसा रसगुल्ले को, और उड़ीसा इज ओरिजिन ऑफ रसगुल्ला ऐसा मान लिया गया है रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन के द्वारा। अब यहाँ पर GI जो टैग है वो किसी लोकेशन के स्पेसिफिक प्रोडक्ट को दिया जाता है, जो कि उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। पिछले कुछ सालों से वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही थी, फाइट चल रही थी कि रसगुल्ला किस स्टेट का ओरिजिनल है, और यहाँ पर हिस्टोरिकल प्रूफ के बाद उड़ीसा को ये जीत मिली है, और GI टैग उड़ीसा रसगुल्ले को दिया गया है। यहाँ पर उड़ीसा का ऐसा कहना है या ऐसा उनका प्रूफ दिए गए हैं कि उड़ीसा का रसगुल्ला जो है वो जगन्नाथपुरी टेंपल की जो ट्रेडिशन है, और जो भगवान की पूजा की जाती है उस पूरी ट्रेडिशन से एक लंबे समय से जुड़ा हुआ है, और रसगुल्ला ओरिजिनेटेड फ्रॉम उड़ीसा। तो इस बात को मानते हुए रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स के द्वारा GI टैग दिया गया है उड़ीसा
रसगुल्ले को। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, कुछ कल्चरल मॉन्यूमेंट्स, करीब 10 कल्चरल मॉन्यूमेंट्स को कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा 9 बजे रात तक खोलने की अनुमति दी गई है एक नोटिफिकेशन के थ्रू। तो अभी तक नॉर्मली शाम को ये बंद हो जाते थे मॉन्यूमेंट्स, और 10 मॉन्यूमेंट्स को अब रात को 9 बजे तक ओपन किया जाएगा, ताकि जो इंडिया की कल्चरल हेरिटेज है, जो भी ये मॉन्यूमेंट्स है, इसमें टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। ये 10 जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, ये अक्रॉस द कंट्री है, उनको इंक्लूड किया गया है। इसमें से हुमायूं टॉम्ब और सफदरजंग टॉम्ब दिल्ली में हैं, जिनको ये अप्रूवल मिला है। इसके अलावा अगर हम बाकी मॉन्यूमेंट्स की बात करें, तो इसमें आता है राजा रानी टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जो कि भुवनेश्वर में है, काफ़ी फेमस टेम्पल कॉम्प्लेक्स है राजा रानी टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जो हमने कल्चर में भी पढ़ा होगा। और राजा रानी टेम्पल कॉम्प्लेक्स उड़ीसा की एंशियंट टेम्पल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है, एक बेहतरीन आर्किटेक्चर है राजा रानी टेम्पल कॉम्प्लेक्स भुवनेश्वर। इसके अलावा दूलादेव टेम्पल कॉम्प्लेक्स खजुराहो में है, शेख चिल्ली टॉम्ब है कुरुक्षेत्र में, और मॉन्यूमेंट्स पट्टाडकल में, और गोल गुंबद जो कि विजयपुरा, इट वॉज अ पार्ट ऑफ अर्लियर विजयनगर एम्पायर। तो अर्लियर विजयनगर एम्पायर के मॉन्यूमेंट्स पट्टाडकल गोल गुंबद को भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा मान महल बनारस में, और रानी की राव पाटन गुजरात में। तो इन टेम्पल्स को, इन मॉन्यूमेंट्स को अलाउ किया गया है रात में 9 बजे तक ओपन करने के लिए, ताकि कल्चर और टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। अब नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है सीएससी के बारे में। सीएससी क्या है? सीएससी एक एनजीओ है जिसे बोलते हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। इसके द्वारा फर्टिलाइज़र प्लांट्स को ऑल ओवर कंट्री रेट करने की कवायद शुरू की गई है, एक प्रोग्राम शुरू किया गया। और फर्टिलाइज़र प्लांट्स को रेट क्यों किया जाना है? बिकॉज फर्टिलाइज़र की वजह से जो वाटर का कंजप्शन है, एक तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में बहुत हाई है, और वाटर पॉल्यूशन बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिला है। इसलिए इनको एक, इनमें एनर्जी इफिशियंसी का एक कल्चर लाने के लिए और एनर्जी इफिशियंसी को प्रमोट करने के लिए रेटिंग व्यवस्था शुरू की जानी है सीएससी के बारे में। सीएससी यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड रिसर्च करता है, और पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी इशूज होते हैं उनकी एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, और एनवायरमेंट और डेवलपमेंट जो भी इशूज हैं उनके लिए, उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस फील्ड में इसका मेन काम रहता है। अब इस पर्टिकुलर रेटिंग सिस्टम के लिए 50 पैरामीटर आइडेंटिफाई किए गए हैं, मोर देन 50 पैरामीटर आइडेंटिफाई किए गए हैं सीएससी के द्वारा। और जो ऑल ओवर कंट्री में फर्टिलाइजर प्लांट्स है, उसमें 57% प्लांट्स ने वॉलंटरीली एग्री किया है सीएससी के इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने में। अब अगर हम फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की बात करें, तो इसके दो मेजर चैलेंज है, एक तो एनवायरमेंटल चैलेंज और दूसरा इम्बैलेंस जो नाइट्रोजन का हो रहा है एनवायरमेंट में, वो एक बड़ा इशू है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो दूसरा इशू है। इसके कारण क्या होता है कि फर्टिलाइज़र यूज़ इफ़िशियंसी जो इंडिया में है वो बहुत ही पुअर है। नॉर्मली फार्मर जो है फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, और इतना ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं जितनी सॉइल को रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। इसकी वजह से सॉइल में जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस नहीं होता, और अल्टीमेटली इट विल लीड टू इम्बैलेंस इन सॉइल फॉर माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है सॉइल में नॉर्मली ज़्यादा होती है इंडिया में, बिकॉज यूरिया जो कि एक नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र है, वो किसानों के द्वारा, फार्मर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है कि एक तो सॉइल में इंबैलेंस हो जाता है, तो सॉइल की फर्टिलिटी लेवल कम हो जाता है, और दूसरा सॉइल में जाने की वजह से जो सरफेस वाटर होता है और जो ग्राउंड वाटर होता है उनमें भी इंबैलेंस क्रिएट हो जाता है, उनमें बहुत हाई लेवल पर पॉल्यूशन देखने को मिला है, और ये अलार्मिंग लेवल पर पॉल्यूशन बढ़ गया है। तो इस पूरे सिनेरियो को कंट्रोल करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये रेटिंग सिस्टम काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। अब देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अब यहाँ पर टाइगर सेंसस के रिगार्डिंग एक और न्यूज़ है, उसी को रिलेट करते हुए देखते हैं। मध्य प्रदेश का जो पेंच सेंचुरी है और केरला का पेरियार सेंचुरी है, ये दोनों बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व हैं।
अगर हम कंट्री में टाइगर रिजर्व के लिस्ट को बनाएं, बेस्ट मैनेजमेंट के लिस्ट के हिसाब से अगर लिस्ट को देखें तो बेस्ट मैनेजमेंट है पेंच टाइगर रिजर्व का और पेरियार टाइगर रिजर्व का एज़ पर नेशनल टाइगर एस्टिमेशन 2019 जो टाइगर सेंसस 2019 की है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर इसी लिस्ट में डंपर टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व ये सबसे नीचे हैं, मतलब कि टाइगर रिजर्व में सबसे अच्छा मैनेजमेंट होता है पेंच टाइगर रिजर्व में और पेरियार टाइगर रिजर्व में, और सबसे बुरा मैनेजमेंट सबसे पुअर परफॉर्मेंस है डंपर टाइगर रिजर्व जो कि मिजोरम में है और राजाजी टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है। और अगर हम स्टेट्स की बात करें किस स्टेट्स ने सबसे अच्छा मैनेजमेंट किया है टाइगर का, तो स्टेट्स में केरला नंबर वन पे है, एमपी नंबर टू पे है। टाइगर रिजर्व में केरला और एमपी दोनों के एक एक टाइगर रिजर्व, पेंच और पेरियार नंबर वन पे है और स्टेट्स में केरला नंबर वन पे है मैनेजमेंट के हिसाब से अगर हम देखें। इसी में स्टेट्स के लेवल पर छत्तीसगढ़ लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स बन गया है टाइगर मैनेजमेंट में। अब पेंच टाइगर रिजर्व का जो मैनेजमेंट इतना बढ़िया है इसके कुछ रीज़न हैं, वहाँ पर किस तरह के एक्शन लिए जाते हैं, इसमें सीजन वाइज बायोडायवर्सिटी प्लान बनाया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा, इसके साथ ही साथ फ्लाइंग स्क्वाड का रेगुलर एक्टिव फ्लाइंग स्क्वाड एक्टिव रहता है, पेट्रोलिंग टैक्टिकल वे में की जाती है ताकि सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए, रेगुलर मीटिंग होती है लोकल्स की और लोकल्स का ईगरली पार्टिसिपेशन रहता है टाइगर मैनेजमेंट में, और इसके साथ ही साथ जो टूरिज़्म से कलेक्शन होता है उसका टाइगर रिजर्व को मैनेजमेंट में और कंजर्वेशन पर्पज़ में यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको अपनाकर पेंच टाइगर रिजर्व इंडिया का नंबर वन वेल मैनेज टाइगर रिजर्व बना है, और ऐसी व्यवस्था दूसरे टाइगर रिजर्व में भी इम्प्लीमेंट की जा रही है और की जानी चाहिए ताकि बाकी जो पुअरली मैनेज टाइगर रिजर्व हैं जैसे डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में या उत्तराखंड में राजाजी, इनको भी इम्प्रूव किया जा सके और इनकी जो रैंकिंग है वो प्रमोट और बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ टाइगर रिजर्व भी पहली बार की गई है, यहाँ पर सेंटर के द्वारा एक स्टडी की गई है ताकि इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ टाइगर रिजर्व समझी जाए, और इसके जो टाइगर का जो नॉर्मल बेनिफिट होता है जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन फॉरेस्ट के द्वारा किया जा रहा है, जो भी टाइगर रिजर्व में है उनके द्वारा किया जाता है, टिम्बर कंजर्वेशन किया जाता है, जो लोकल्स की लाइवलीहुड है उसको सपोर्ट किया जाता है टाइगर रिजर्व कम्युनिटी में, कैसे वो टूरिज़्म और जो फॉरेस्ट से बेनिफिट मिलने हैं उससे लोकल अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं। इसके साथ ही साथ जो टोटल इकोनॉमिक वैल्यू एस्टिमेटेड है इस पर्टिकुलर सेंसस से वो करीब आती है 4200 करोड़ से 16000 करोड़, तो ये इकोनॉमिक वैल्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेज़र की गई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर डिस्कवरी चैनल पर आने वाले हैं, डिस्कवरी चैनल के मैन वर्सेस वाइल्ड कार्यक्रम में। ये जो कार्यक्रम है ये काफ़ी फेमस है डिस्कवरी चैनल का कार्यक्रम, और इसके एंकर हैं बियर गैलिस, इनके द्वारा ये वाइल्ड लाइफ को एक्चुअल रियल कंडीशन में दिखाया जाता है, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फीचर करने वाले हैं, इसमें उनके द्वारा वाइल्ड लाइफ और क्लाइमेट चेंज के बारे में बताई जाएंगी और क्या इनका इंटरेस्ट है उसके बारे में बताया जाना, और इसका टेलीकास्ट होने वाला है डिस्कवरी चैनल पे। अब ये जो शूटिंग की गई थी ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में की गई थी, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, ये उत्तराखंड स्टेट में है और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और उत्तराखंड स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है। अब रसगुल्ला को, उड़ीसा रसगुल्ला को जीआई टैग मिला है, इसके बारे में नेक्स्ट न्यूज़ है कि ये किस एक्ट के थ्रू दिया जाता है जीआई टैग। जीआई टैग का जो एक्ट है ये एक्ट है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, और इसी एक्ट के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट को, या तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होगा या हैंडमेड प्रोडक्ट होगा, उसको जीआई टैग का स्टेटस इंडिया में दिया जाता है। तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर इसी एक्ट के थ्रू जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत ही उड़ीसा रसगुल्ला को भी जीआई टैग दिया गया था। उड़ीसा रसगुल्ला जो कि एक एज ओल्ड ट्रेडिशन से इन्वॉल्व है और एसोसिएटेड है वर्ल्ड फेमस पुरी जगन्नाथ टेंपल से। अब यहाँ पर अब देख लेते हैं आर्टिकल, तो आज का पहला आर्टिकल है गवर्नेंस मोड के बारे में। यहाँ पर गवर्नमेंट जो कर्नाटका में है ये अगले आने वाले 6 महीने के लिए स्टेबल मानी जा रही है, इसलिए राइटर का ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट का टोटल फोकस अभी कर्नाटका के गवर्नेंस में होना चाहिए और सरकार जिस लिए चुनी जा रही है वो एक्चुअल काम किए जाने चाहिए गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर और बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा जो ट्रस्ट वोट जीत लिया गया है और बीएस येदियुरप्पा चौथी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं स्टेट के,
उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर जो ट्रस्ट वोट विक्ट्री है ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, बट ये जीता गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसलिए अब जो सरकार आई है उसको आगे किस तरह मूव करना है और यहाँ पर कंडीशन कैसे हो, किस तरह की रही है अभी तक। अभी तक क्या है कि 17 जो MLAs हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था स्पीकर के द्वारा, और ये डिस्क्वालिफिकेशन केवल इस पर्टिकुलर असेंबली के लिए नहीं, इस पूरे असेंबली टर्म के लिए किया गया था। ये एक यूनिक चीज़ हुई है, बिकॉज एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो उस डिस्क्वालिफिकेशन के बाद भी MLA दोबारा चुनाव लड़के और जीत के गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर स्पीकर के द्वारा ये जो डिसीज़न लिया गया इसमें इन 17 MLAs को पूरे असेंबली के टेन्योर तक डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया, और इसका जो असर होने वाला है कि अब वो होने वाले चुनाव में अगर जीतेंगे तो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये एक यूनिक चीज़ हुई है, और इसका जो फाइनल डिसीज़न होना है या आगे क्या होना है वो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट आगे क्लैरिटी देगा। अब राइटर के द्वारा मेन फोकस इस आर्टिकल में है कि गवर्नमेंट को, अब जो फाइनल गवर्नमेंट आई है इसको इकोनॉमिक मुद्दों पे काम करना चाहिए और जो मीडियम और लॉन्ग टर्म के जो कंसर्न है स्टेट के उन पे काम करना चाहिए। कम से कम जो इमीडिएट चैलेंजेस हैं उनको तो टैकल करना ही चाहिए। जो वाटर स्कैसिटी का प्रॉब्लम है पूरे स्टेट में और अर्बन मैनेजमेंट का जो चैलेंजेस है उनको देख के चलना चाहिए, और मैनेजमेंट और गवर्नेंस पे पूरा अपना टाइम एनर्जी और फोकस लगाना चाहिए। बिकॉज इतने टाइम से जो पॉलिटिकल कंडीशन बनी हुई है गवर्नमेंट का बिल्कुल फोकस नहीं था मेन मुद्दों पे काम करने के लिए, लेकिन अब गवर्नमेंट की इस स्टेबिलिटी के बाद गवर्नेंस पे काम होना चाहिए और लोगों के मुद्दों पे काम होना चाहिए। जिन इशूज़ पे गवर्नमेंट चुनी जाती है और जिस काम के लिए आती है वो काम किया जाना चाहिए, तभी एक स्टेट का हम अच्छा गवर्नेंस और बेटर प्रोग्रेस की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे कि लोगों की जो उम्मीदें हैं सरकार से वो फुलफिल हो सके। इसमें नेक्स्ट आर्टिकल आता है अफगान प्रोसेस के बारे में। अफगानिस्तान में अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट पे हमला किया गया, अमरुल्ला सलेह जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट होने वाले हैं आगे आने वाले चुनावों में उन पे हमला किया गया, करीब 20 लोग मरे हैं और 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। तो इसमें यहाँ पर ये जो हमला कराया गया है तालिबान के द्वारा कराया गया है, और एक तरह से पूरी तरीके से क्राइसिस वॉर टॉर्न कंट्री में अगर पीस प्रोसेस की कोशिश की जा रही है उसके बाद भी जो लगातार वायलेंट इंसिडेंट हो रहे हैं और अटैक्स किए जा रहे हैं तालिबान के द्वारा, उसके बारे में राइटर के थॉट्स बताए गए हैं। यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में साथ ही एक पीस प्रोसेस की कोशिश भी की जा रही है। USA के द्वारा जो पूरी सेना रखी गई है उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, और USA अफगानिस्तान की प्रोसेस को कहीं ना कहीं उस हाल में छोड़ के निकलना चाहता है। तो इसी की वजह से USA के द्वारा कुछ टाइम पहले तालिबान से कतर दोहा कतर में बातचीत पीस इस्टेब्लिश करने के लिए की गई। यहाँ पर जो रिसेंट हमला हुआ है इसको राइटर देख रहे हैं कि तालिबान अपने जो वायलेंट एजेंडा है उससे बाज नहीं आ रहा है, और वाइस प्रेसिडेंट के लेवल के अगर किसी कैंडिडेट पे तालिबान के द्वारा ऐसा हमला किया गया तो इतने बड़े लेवल पे अगर कोई हमला हो सकता है, यानी कि तालिबान की जो पहुंच है वो काफ़ी आगे तक है और काफ़ी किसी भी लेवल तक तालिबान जा सकता है अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए। यहाँ पर जो एक्चुअल अफगानिस्तान की कंडीशन है उसमें आधा अफगानिस्तान डायरेक्टली कंट्रोल करता है तालिबान। तालिबान आधे अफगानिस्तान पे पूरी तरीके से डोमिनेट करता है या कंट्रोल करता है। इसमें अफगानिस्तान का ईस्टर्न जो पार्ट है इसमें इस्लामिक स्टेट ने अपना प्रेजेंस एस्टेब्लिश कर लिया है, और वहाँ पर ऑलरेडी जो अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज़ हैं उन पे उनको टारगेट करके मारा जा रहा है। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट है काबुल में, यानी अफगानिस्तान की जो चुनी हुई सरकार है वो बहुत वीक है, और उस वीक गवर्नमेंट में करप्शन का जो मुद्दा है, करप्शन बहुत ही हाई लेवल पे है, क्रॉनिक करप्शन है, और जो बेसिक सेफ्टी और सिक्योरिटी सिविलियंस की सरकार की जिम्मेदारी है वो पूरा नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से क्या है, पब्लिक कॉन्फिडेंस भी पूरे इंटायर सिस्टम में ख़त्म हो गया है। तो लोगों को भरोसा भी नहीं रहा सरकार पे, क्योंकि एक तो सरकार में करप्शन बहुत ज़्यादा है, कंट्री में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा दिक्कत है, और ऊपर से जो थोड़ी बहुत सरकार चली है उसमें भी बहुत बड़ा करप्शन है। उसके साथ ही जो लोग मर रहे हैं उसके लिए भी सरकार के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि सरकार उन हमलों को रोक सके। तो लोगों का जो भरोसा है सरकार से वो उठ गया है। इस समय अफगानिस्तान गवर्नमेंट एक तरह से अंडर अटैक है। अटैक कैसे, उनके सिक्योरिटी एजेंसीज पे भी अटैक किया जा रहा है और उनके पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पे भी अटैक किया जा रहा है। मतलब पॉलिटिकल लीडर्स पे भी अटैक हो रहा है, सिक्योरिटी जो
जो फोर्सेस हैं उन पे भी अटैक किया जा रहा है। तो अफगानिस्तान को एक्चुअल में अभी पॉलिटिकल सेटलमेंट की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को चाहिए कि यूएस के सपोर्ट के साथ इस एक तरह से पीस को इस्टेब्लिश किया जा सके। एक तरफ तो तालिबान की जो पहुंच है वो दूर दूर के गांवों तक पहुंच गई है और कुछ अर्बन सिटीज़ में भी इसके द्वारा पैड बनाई जा रही है। मतलब तालिबान का जो रीच है आधे अफगानिस्तान पर तो है ही, और जो दूर दूर के गांव हैं उन सारी जगह में बहुत स्ट्रांगली इस्टेब्लिश हो गया है तालिबान। उसको बाहर निकालना अभी तो यूएस की भी बात नहीं हो रही है, यूएस भी उसको किसी ना किसी तरह पीस इस्टेब्लिश करके यहां से निकलना चाह रहा है। तो यहां पर पीस इस्टेब्लिश करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन गई है। और अफगानिस्तान यूएस के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है कि तालिबान से डायरेक्टली बात करना और अफगानिस्तान गवर्नमेंट को उस पीस प्रोसेस में ना लाना, ये सबसे बड़ी भूल है राइटर के अकॉर्डिंग। और अगर अफगानिस्तान में हम पीस की बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट तो उसमें आनी ही चाहिए ना। अफगानिस्तान गवर्नमेंट सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वहाँ पर, जो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है। अगर उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे हम तो किस तरह से वहाँ पर पीस इस्टेब्लिश होने वाली है, वो हाल ही में होते हुए अटैक्स बता रहे हैं। तो ये जो यूएस का डिसीज़न है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट को हटा के डायरेक्टली तालिबान से पीस एस्टेब्लिश करके निकल के भागने का है जिम्मेदारी छोड़ते हुए, ये बिल्कुल ही गलत है। इसमें पहली चीज़ तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म के थ्रू लाना चाहिए तालिबान से पीस प्रोसेस में, और दूसरा है कि जो पूरी ये जो वॉर चल रही है एक तरह से, जो अटैक्स चल रहे हैं इसको रोका जाना चाहिए, सीज़ फायर अग्रीमेंट होना चाहिए, सीज़ फायर की जानी चाहिए। अभी यूएसए को कोई मतलब नहीं है कि कितने अटैक हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कितनी लड़ाइयाँ की जा रही है, कितने सिविलियन मर रहे हैं। यूएसए की मेन जो इंटरेस्ट है वो वहां से निकल के भागना है। तो यूएसए के द्वारा इतना बोल दिया गया, ये बोल दिया गया है कि अटैक्स होते हैं तो होने दें, बट हमको अभी पीस इस्टेब्लिश करने के लिए पीस पर बात करनी है। बट यहाँ पर राइटर के द्वारा ऐसा किया जा रहा है कि पीस तो होनी चाहिए बट यूएसए को तालिबान से एक तरह से पीस सीज़ फायर अग्रीमेंट भी करना चाहिए पहले, कम से कम ये जो अभी अटैक हो रहे हैं जिसमें सिविलियंस मर रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं उनको रोका जाए, और उसके साथ ही साथ उसके बाद पीस प्रोसेस पे बात की जाए। क्योंकि अगर लगातार अटैक होते रहे तो कहीं ना कहीं तालिबान का जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ने वाला है उस पीस एग्रीमेंट में। और अटैक करवा के तालिबान कुछ नहीं कर रहा है, केवल ये साबित कर रहा है कि देखो मेरे पास कितनी पावर है और मैं किसी भी डैम किसी कितने भी बड़े लेवल के फंक्शनरी को पे अटैक करवा सकते हैं हम लोग। तो तालिबान की बार्गेनिंग पावर बढ़ने वाली है, उसकी वजह से सिविलियन गवर्नमेंट की स्थिति कमज़ोर होने वाली है। तो राइटर के अकॉर्डिंग पहले अफगानिस्तान गवर्नमेंट को इंक्लूड किया जाना चाहिए स्ट्रांगली, दूसरा वायलेंट जो अटैक्स हो रहे हैं उनको रोका जाना चाहिए, उसके बाद मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से तालिबान को प्रेशराइज किया जाना चाहिए कि वायलेंस रोके और एक तरह से पीस इस्टेब्लिश की जा सके रीजन में। तो यहाँ पर अफगानिस्तान की एक्चुअल कंडीशन के बारे में बताया गया है और किस तरह से अभी इस कंट्री की बुरी हालत है और इसको कितनी डेस्परेट नीड है कि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो और पीस इस्टेब्लिश की जाए। ये केवल कंट्री के लिए नहीं, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, पूरे रीजन के लिए ज़रूरी है, तभी उसके अड़ोसी पड़ोसी कंट्रीज़ में भी एक पीसफुल माहौल बनाया जा सकेगा। यहाँ पर मेन आर्टिकल में बात की जा रही है यूएसए इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में भी हमने आर्टिकल डिस्कस किए कि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा मेडिएटर के लिए एक प्रपोज़ल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बोला गया और उनके द्वारा ऐसा भी बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको ऐसा रिक्वेस्ट किया है। तो इन सारी प्रोसेस के बारे में जो इंडिया का हमेशा रुख रहा है कि हम बायलैटरली ही किसी भी बायलेटरल इशू को पाकिस्तान के साथ बायलेटरल तरीके से ही सॉल्व करेंगे, उसके बारे में राइटर के द्वारा एनालाइज किया गया है और किस तरह से इंडिया का जो रुख है पिछले कुछ सालों में बायलेटरल रहा है और कुछ कुछ टाइम पे इंडिया ने मीडिएटर भी कंसीडर किए हैं, मीडिएटर को भी एक्सेप्ट किया है, उसके बारे में बताया गया। यहाँ पर जो मिक्स तरह का इंडिया का रिस्पॉन्स है, पहला तो रिस्पॉन्स है कि हम तीसरी पार्टी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अपने बीच के मुद्दों में। क्यों? क्योंकि तीसरी पार्टी जब भी आती है वो अपने किसी इंटरेस्ट के लिए आती है, अपने एजेंडे को लेके आती है। इसके साथ ही साथ जो दूसरी बात है कि जितना हमें चाहिए होता है उससे जितना अच्छा चाहिए होता है उस अच्छे से ज़्यादा बुरा करके जाती है दूसरी पार्टी। बिकॉज कि अभी का जो टाइम है हाइपर नेशनलिज्म बना हुआ है, हर एक दोनों कंट्री में हाइपर नेशनलिज्म है, अपनी अपनी सरकार को सपोर्ट करने की जो बहुत ज़्यादा कवायद की जा रही है, हाइपर नेशनलिज्म है, दूसरे को कुछ समझा नहीं जाता है, अपने देश के लिए दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये हाइपर नेशनलिज्म की एज में और जो मीडिया का पागलपन है एक तरह से, किसी भी छोटे मुद्दे को अगर
इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी मुद्दा आ जाए तो उसको किस तरह से तोड़ मरोड़ के मीडिया के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसे केस में अगर कोई सरकार इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश भी करती है तो लोकल जो पॉलिटिकल कंडीशन है और अपोजिशन पार्टी है और जो मीडिया है वो किस तरह से तोड़ मरोड़ को उसको प्रेजेंट करती है और वो सारी कोशिशें पानी में ही जाती हैं। तो ऐसे केसेस में जितना अच्छा करने की कोशिश की जाती है उससे ज़्यादा बुरा हो जाता है इस सिनेरियो में। इसके अलावा जो बायलैटरल डिप्लोमेसी है जम्मू कश्मीर में, ये अपने आप में पॉलिटिकल स्क्रूटनी बहुत हाई लेवल पे होती है इसकी, मतलब कि फूक फूक कर कदम रखती है अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पर्टिकुलर इशू को देखती है या सॉल्व करना चाहती है तो बहुत ही धीरे धीरे कदम उठाए जाते हैं, बिकॉज जो डोमेस्टिक फोर्सेस हैं और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो बहुत धीमे धीमे या बहुत सोच सोच के कदम लेती है इन चीज़ों के बारे में। तो ऐसे केस में जो थर्ड पार्टी का जो मीडिएशन है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पर राइटर के द्वारा बोला गया है, एक तो थर्ड पार्टी अपने ओन एजेंडा के साथ आती है, दूसरा मीडिया के द्वारा और हाइपर नेशनलिज्म के द्वारा ये जो अच्छा करने की कोशिश की जाती है अगर किसी भी कंट्री के द्वारा तो वो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है, और तीसरा है कि बायलैटरल डिप्लोमेसी जम्मू एंड कश्मीर में दोनों कंट्रीज़ के द्वारा बहुत ही स्लोली होती है और बहुत ही इंटेंस पॉलिटिकल स्क्रूटनी में आती है, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी भी इस मामले में कोई सोल्यूशन निकालने से डरती हैं एक तरह से। तो ऐसे केस में मीडिएशन का तो हम सोच भी नहीं सकते, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर हम देखें कि स्ट्रॉन्ग कुछ रीज़न है तो हमारे कुछ रीज़न है कि क्यों हम मानते नहीं हैं अब इस पर्टिकुलर कश्मीर के इशू में थर्ड मीडिएटर। ये पहला है तो हमारा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस जो है 1948 में किस तरह से हमने यूनाइटेड नेशन में ये मुद्दा गया था तो पावरफुल कंट्रीज़ के द्वारा पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया और इस मुद्दे पर सॉल्यूशन के बजाय ये एक तरह से अटक गया मामला और कश्मीर का मुद्दा, इसमें इंडिया को एग्रेसर पार्टी माना गया और पाकिस्तान के द्वारा भी जो एक्चुअल डायरेक्शन दिए गए यूनाइटेड नेशन के थ्रू वो नहीं माने गए। तो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है हमारा। इसके अलावा शिमला एग्रीमेंट है 1972 का, लाहौर डिक्लेरेशन है 1999 का। तो इसमें राइटर ऐसा बोलते हैं कि शिमला एग्रीमेंट ने जो इस्टेब्लिश कर दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान बायलैटरल तरीके से ही मुद्दों को सुलझाएगा, उसके बाद ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है गवर्नमेंट के दिमाग में और अब इसी तरह से कश्मीर मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी कंट्री से देखें। अगर हम कश्मीर में देखें तो एक ग्रुप है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक मिलिट्री ऑब्जर्वर रखा जाता है ताकि पीस वर्क को किया जा सके कश्मीर में। इंडिया इसको नहीं मानता एक्चुअल, जब अगर हम देखें तो इंडिया की तरफ से ये ग्रुप की कोई वजूद नहीं माना जाता, लेकिन पाकिस्तान इसको मानता है बिकॉज पाकिस्तान इसको इनकरेज करने की कोशिश करता है ताकि थर्ड पार्टी को इंक्लूड किया जाए कश्मीर में। यहाँ पर इंडिया के कुछ रीज़न हैं इसके, जो कि हमने बात किया कुछ एग्रीमेंट है, शिमला एग्रीमेंट, लाहौर डिक्लेरेशन, इसके साथ ही साथ इंडिया जो खुद का स्टेटस समझता है, इंडिया अपने आप को एक मेजर इकोनॉमिक पावर मानता है इस रीजन में, साउथ एशियन रीजन में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इकोनॉमिक पावर, एक बड़ी इकोनॉमिक पावर इंडिया खुद को मानता है और एक बड़ी मिलिट्री पावर भी मानता है। तो इस लेवल की अगर स्टेटस इंडिया ने खुद को दिया है तो किसी एक्सटर्नल पावर को अगर हम अपने मुद्दों को सॉल्व करवाने के लिए बुलाएंगे तो एक तरह से हमारे मेन जो मुद्दे हैं वो पीछे रह जाएंगे और हमारे बेनिफिट को इग्नोर करके उस पावर के द्वारा काम किया जाएगा। तो इंडिया समझता है कि अगर हम खुद मेजर पावर हैं तो हम दूसरे किसी कंट्री की हेल्प क्यों लें एक दूसरे अपने पड़ोसी से मुद्दे सुलझाने में, बिकॉज तीसरा जो भी आएगा वो हमारे मुद्दों में अपना फ़ायदा ही देखेगा और हमारे जो कंसर्न है उनको इग्नोर करके ही तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेगा और अपने फ़ायदा निकालने की कोशिश करेगा। तो इंडिया का एक चौथा और स्ट्रांग रीज़न ये है कि इंडिया खुद ही एक सुपर पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है और बीइंग अ सुपर पावर हमारी इतना स्टेटस है कि हम अपने पड़ोसी से ये मुद्दा खुद से बातचीत करके सुलझा सकते हैं, हमें तीसरे किसी भी पर्सन की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इस केस में तीसरी कंट्री की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ रीज़न हैं जो जिसके अकॉर्डिंग इंडिया के द्वारा पॉलिसी कन्वे की जाती है और ऐसी फॉलो की जाती है और इंडिया के द्वारा ये स्टैंड ही इनकरेज किया जाता है। अभी यहाँ पर राइटर दो पर्टिकुलर मैकेनिज्म को समझा रहे हैं, पहली मैकेनिज्म है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पर्टिकुलरली कश्मीर के केस में, कश्मीर के केस को लेकर ही है, कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है और ये दिखाता है कि एड्रेस और रिजॉल्व करना इस मुद्दे को, यही रूट कॉज है कॉन्फ्लिक्ट का, क्या है कश्मीर। अब दूसरा कॉन्फ्लिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है, ये एक इसमें मेडिएशन पॉसिबल है और ये किसी भी क्राइसिस को
बढ़ने से रोकने के लिए किया जाता है। तो क्राइसिस मीडिएशन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन से अलग है, ऐसा इंडियन कंडीशन को देख के लग रहा है। और क्राइसिस मैनेजमेंट जो किया जाता है वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में किया जाता है कि ताकि कोई अगर अचानक से कोई क्राइसिस आ गया तो उसको बढ़ने से रोका जा सके, ख़त्म किया जा सके। ये किसी भी क्राइसिस का रूट कॉज हटाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। रूट कॉज के लिए क्या है? रूट कॉज है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? तो इंडिया का जो रिलेशन है कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के लिए कश्मीर इशू। और क्राइसिस क्या है? क्राइसिस जो अचानक कोई वॉर हो जाती है वो क्राइसिस कंडीशन है। तो अगर अचानक कोई वॉर हो जाती है तो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू द्वारा मीडिएशन इंक्लूड किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, सो दैट क्राइसिस को मैनेज किया जा सके। बट जो एक्चुअल मुद्दा है, रूट कॉज है कॉन्फ्लिक्ट, उसको रिजॉल्व करने के लिए इंडिया ने कभी मीडिएशन एग्री नहीं किया है, ऐसा राइटर का मानना है। अभी न्यू दिल्ली यानी इंडिया की हम बात करें, ट्रेडिशनली ये हमेशा मीडिएटर को इग्नोर करते आए हैं अगर हम कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की बात करें। बट अगर इसमें थर्ड पार्टी क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए हमने एक्सेप्ट किए हैं। ये क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है? जैसे कि कारगिल वॉर हुई थी तो ये अचानक एक वॉर हो गई, तो उस वॉर को कम करने के लिए यूएसए में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मीडिएशन किया गया, पाकिस्तान से बातचीत की गई, तो उस केस में इंडिया ने उन यूएसए के इस रोल को एग्री किया, बिकॉज वो क्राइसिस मैनेजमेंट का पार्ट था। इसके साथ ही साथ पुलवामा में मिलिट्री अटैक हुआ तो उसके रिस्पेक्ट में जो कंडीशन हुई उसमें भी हमने यानी इंडिया ने मीडिएशन एग्री किया। ये तो हो गई कश्मीर इशू में क्राइसिस की बात। अगर हम देखें 26/11 जो अटैक हुआ था उसमें भी इंडिया ने मीडिएटर के जो पहलू था उसको एक्सेप्ट किया। तो एक तरह से जब क्राइसिस की कंडीशन होती है, कोई अचानक अटैक हो जाता है, तो इंडिया एक्सेप्ट करता है मीडिएटर को। बट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के केस में हम लोग एग्री नहीं करते, इंडिया एग्री नहीं करता, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन यहाँ पर रूट कॉज पे काम कर रहा है। तो राइटर के द्वारा ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो एक्चुअल में यह पूरी प्रोसेस है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन या क्राइसिस मैनेजमेंट, ये अलग अलग नहीं है, आप पूरी तरीके से इसको अलग नहीं कर सकते। और अगर आप एक्चुअल में ये बहुत इजी नहीं है कि थर्ड पार्टी को आप एक ही मुद्दे पे एक पहलू दिखाओ और दूसरी पहलू मत दिखाओ, कि इट इज़ नॉट ईजी टू गेट ए थर्ड पार्टी एक ही चीज़ पर फोकस करे, एक प्रॉब्लम के एक पार्ट पर फोकस करें और दूसरे पार्ट को भूल जाए। बिकॉज कि अगर हम बात करें कश्मीर स्पेसिफिक इश्यूज के बारे में, तो इसमें पाकिस्तान के द्वारा जो टेररिज्म स्पॉन्सर किया जाता है, इसको तो हम हमेशा कंट्रीज़ को बोलते हैं कि हमारा साथ दो और कश्मीर में जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसको एंड करो, और पाकिस्तान को इसके लिए आप लोग बोलो, प्रेशराइज करो, इसको तो हम हमेशा प्रमोट करते हैं। बट वहीं पर अगर यूनाइटेड नेशन का कमीशन, यूनाइटेड यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट की अगर रिपोर्ट आती है कश्मीर में हो रहे ह्यूमन राइट वायलेशन की, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो कश्मीर मुद्दे पे ही हम एक साइड में, एक पहलू में तो मीडिएशन को इंडिया की तरफ से सपोर्ट किया जाता है, बस दूसरे साइड में इग्नोर किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? केवल हम अपने फ़ायदे के लिए जब मीडिएशन मानना होता है हम लोग मान लेते हैं, और जब नहीं मानना होता है तो गवर्नमेंट के द्वारा वो इग्नोर कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो ऐसे ये एक बैलेंस बनाने वाली चीज़ नहीं है, और इसको कैसे लेके चला जाएगा ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। तो ऐसा जो गवर्नमेंट के द्वारा रुख अपनाया गया है, तो ये इसमें बैलेंस मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा राइटर का मानना है। इसके अलावा जो अभी क्या जियोपॉलिटिकल रीजनल जियोपॉलिटिक्स चल रही है, ये क्या है? यूएस की जो अभी एस्पिरेशन है, जो डिज़ायर है कि तालिबान के साथ बातचीत कर ली जाए अफगानिस्तान में, और उसके लिए पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से पाकिस्तान के साथ यूएस के जो टाई अप है स्ट्रांग होते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम चाइना की बात करें या रसिया की बात करें, ये दोनों कंट्रीज़ भी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ भी पाकिस्तान के साथ जो कॉन्टेक्ट्स है वो बढ़ाए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ उन सबके रिलेशन बढ़ रहे हैं। तो ऐसा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है इस केस में, जो अगर कोई भी कंट्री पाकिस्तान से रिलेशनशिप बढ़ाएगी तो उस का जो ध्यान है वो कश्मीर पे जाना तो बहुत ही ऑब्वियस है। और जब भी कश्मीर में ये मुद्दा जाएगा तो थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ऑफ कोर्स आने ही वाला है इससे, क्योंकि वो कश्मीर मुद्दे को जब भी देखती है कोई भी कंट्री तो वो रीजनल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। और अगर पाकिस्तान से इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है तो कश्मीर पे ध्यान जा रहा है लोगों का, सारी कंट्रीज़ का, और कश्मीर को वो लोग रीजनल इनस्टेबिलिटी के रूट कॉज के तौर पे देख रहे हैं। तो इसलिए इनस्टेबिलिटी को लिंक करना अफगान में और कश्मीर में, ये तो ऑलरेडी कंट्रीज़ के द्वारा किया ही जा रहा है। तो कंट्री कभी भी देखती है अफगानिस्तान की प्रॉब्लम, कश्मीर की प्रॉब्लम, तो एक ही करके देखती हैं और दोनों को पूरे रीजन का इंस्टेबिलिटी का रूट कॉज मानती है। तो इसकी वजह से
जो कंसर्न है कश्मीर के बारे में वो इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा आपस में जल्दी जल्दी सॉल्व किए जाने चाहिए, बिकॉज अगर हम आपस में मिलके इंडिया और पाकिस्तान इस क्राइसिस सिचुएशन का जो एक्चुअल रूट कॉज है उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म नहीं करता, रिजॉल्व नहीं करता, तो इसमें धीरे धीरे बाहरी पावर का आना बहुत ही ऑब्वियस हो जाएगा और उनके द्वारा टाइम टू टाइम इन इशूज़ में घुसा ही जाएगा। तो इससे बेटर है कि इंडिया और पाकिस्तान को इस इशू को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। तो कश्मीर मुद्दे को सॉल्यूशन किस तरह से होना चाहिए इसके बारे में काफ़ी बढ़िया आर्टिकल था कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पे। यहाँ पर बात की जा रही है असम में जो अभी एनआरसी का पूरा प्रोसेस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये एनआरसी की प्रोसेस को एक महीना एक्सटेंड कर दिया गया और जो सेंटर और स्टेट का जो डेडलाइन एक्सटेंशन का रिक्वेस्ट था वो मान लिया गया। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने रीवेरिफिकेशन ऑफ सैंपल्स लिस्ट के जो 20% रीवेरिफिकेशन करने की जो रिक्वेस्ट थी उसको मना कर दिया, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का मेन जो आर्गूमेंट है एनआरसी के बारे में कि एनआरसी में जो लोग आ गए उसका ऑलरेडी रीवेरिफिकेशन किया जा चुका है स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ एनआरसी के द्वारा, तो इसमें दोबारा रीवेरिफिकेशन की जरूरत नहीं। एनआरसी की पूरी प्रोसेस स्टेट के जो जेन्युइन सिटीज़न हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है और जो भी बांग्लादेश से इमिग्रेंट्स थे इंडिया में जो 1971 के दौरान आए थे उनको पहचानने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। बट इसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न आ रहे हैं, ये जो पूरी प्रोसेस की जा रही है ये उपैक प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ रहा है वो गरीब लोगों का पड़ रहा है और एक तरह से उनकी डिग्निटी ताक पे रखी हुई है, डिग्निटी एट स्टेक है। तो उसी के बारे में राइटर पे द्वारा बोला जा रहा है कि ये जो पूरा गोल है कश्मीर में फॉरनर्स को चूज़ करने का, इस पूरे प्रोग्राम में करीब 40 लाख लोग लेफ्ट आउट हुए थे पिछले ड्राफ्ट में जो पिछले साल रिलीज़ किया गया था, उसमें से करीब 35 लाख के द्वारा दोबारा से फाइल किए गए डॉक्यूमेंट्स। और इतने बड़े लेवल पर अगर लोग बाहर निकलने वाले हैं और लेफ्ट आउट हो गए लिस्ट से, तो उनके साथ एक्चुअल में क्या किया जाएगा, उन स्टेटलेस जो लोग होंगे उनके द्वारा किस तरह से लाइफ जी जाएगी, उसके बारे में जो बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही। अब ये जो पूरा एनआरसी का प्रोग्राम किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये इसका जो मेन रीज़न था वो था इलीगल इमिग्रेशन के इशू को रिजॉल्व किया जाए और नेबरिंग कंट्री से जो दशकों से इमिग्रेशन चल रहा है उसको पहचाना जाए। बट अभी लोगों जो इतने बड़े लेवल पे लोगों को स्टेटलेस बनाया जा रहा है, जो भी इंडिविजुअल है और उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी इन लिस्ट से निकलने वाले हैं उनकी लाइफ कैसे रहने वाली है, और दूसरी कंट्री इसको इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाली है तो उनकी लाइफ कैसी होने वाली है, उनके साथ क्या किया जाना है। और उसके बाद लिस्ट में आने के बाद भी अगर सेंटर और स्टेट के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें कुछ गलत लोग आए हैं उनको दोबारा से चेक किया जाना चाहिए, तो ये बहुत ही एक कंसर्न का टॉपिक है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आउट लिस्ट से हटाने की कोशिश की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी के डिवीज़न का काम करने वाला है। यहाँ पर फॉरनर को, यहाँ पर राइटर के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि फॉरनर्स के पास कम से कम सर्वाइवल का राइट तो होना ही चाहिए, राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, राइट टू हेल्थ होना चाहिए, बट हो सकता है कि आप उनसे पॉलिटिकल राइट छीन लो, राइट टू वोट छीन लो, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी छीन लो, लेकिन एक डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार उन लोगों को भी है जिन लोगों को लिस्ट से बाहर छोड़ दिया गया है। इसलिए उनकी डिग्निटी को ऑनर करते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए उनको बेसिक मिनिमम सर्वाइवल का राइट देना ही चाहिए, बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ का राइट देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर जो मेनली जो बाहर गए हैं वो पुअर हैं, उनको लॉयर के बारे में समझ में नहीं आता, उनको लीगल प्रोसेस समझ में नहीं आती और किस तरह से लीगल एड लेनी है वो भी समझ में नहीं आती। तो ऐसे में स्टेट्स के द्वारा उन लोगों की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको जीने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो कम से कम देना ही चाहिए, तभी हम लोगों की डिग्निटी को मेंटेन कर पाएंगे। तो इस आर्टिकल के द्वारा लोग जो बेसिक डिग्निटी है उन पुअर लोगों की उसको मेंटेन करना स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको मेंटेन किया जाना चाहिए ऐसे सिनेरियो में। तो यहाँ पर अगला जो न्यूज़ है वो है माइनॉरिटी पैनल के बारे में। माइनॉरिटी पैनल क्या है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसका जो मेन फंक्शन है ये माइनॉरिटी को वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। तो अभी हाल ही में एक पेटिशन दी गई थी एक लॉयर के द्वारा कि हिंदूज जिन स्टेट्स में इंडिया के माइनॉरिटी में हैं उनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए या स्टेट लेवल पर माइनॉरिटी
को डिक्लेयर करने का एक मिनिमम नॉर्म बनाया जाए। तो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के द्वारा ऐसा बोला गया है कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के पास ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि किसी नई कम्युनिटी को एक न्यू माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जाए, ये जुरिस्डिक्शन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का जो मेजर वर्क है वो है टू इंश्योर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी एंड प्रोटेक्ट देयर रिलीजियस कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो वेलबींग के लिए काम करना है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी का, ना कि किसी कम्युनिटी को माइनॉरिटी डिक्लेयर करना। तो NCM क्लियरली बोलती है कि सेंटर के पास ये पावर है कि किसी भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी घोषित किया जाए। इस केस में भी नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट बार पाटिल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1990 केस के को बेसिस मानकर ऐसा वर्डिक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के बारे में बात की गई है। इसके साथ ही मॉब लिंचिंग पे एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था, जिसके द्वारा मॉब लिंचिंग को कंट्रोल करने के लिए किस तरह का कानून लाना चाहिए उसके लिए काम किया जा रहा है। इस पैनल के अब जो हेड होंगे ये होम मिनिस्टर अमित शाह हेड करने वाले हैं इस पैनल को। ये जो पैनल आया था ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद आया था जुलाई 2018 में, किस तरह से प्यूनिटी और रेमेडियल एक्शन लिए जाएँ जो क्राइम ऑफ लिंचिंग हो रहा है उसको कॉम्बेट करने के लिए। और पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया की वजह से ये जो लिंचिंग के इंसिडेंट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और अलग अलग फॉल्स प्रेसिडेंट पे जो लोगों को मारा जा रहा है और लिंचिंग का जो इंसिडेंट ये हो रहा है, ये सारे मुद्दों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि एक कानून लाया जाना चाहिए। और अभी रिसेंटली दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट वीक में एक नोटिस इशू किया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को और स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि ये जो सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस आई थी गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने के रिगार्डिंग, उसके बारे में भी पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो ये जो नया पैनल है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ कमेटी, इसको हेड करने वाले हैं अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं कंट्री के। अब यहाँ पर डैम सेफ्टी बिल के बारे में बात की जा रही है, ऑपोजिशन की तरफ से अपोज किया जा रहा है इसको। डैम सेफ्टी बिल क्या है ये देख लेते हैं। डैम सेफ्टी बिल 2019 है, ये एक नेशनल लेजिस्लेशन इसके थ्रू लाया जा रहा है जिससे कि एक यूनिफॉर्म सेफ्टी मेजर्स अपनाए जा सके अक्रॉस द कंट्री। कंट्री में जितने डैम हैं उसमें सारे स्टेट्स में एक यूनिफॉर्म सेफ्टी मेजर्स अपनाए जा सके। अब यहाँ पर जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जल शक्ति मिनिस्टर, उनके द्वारा ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया और ऐसा बोला गया है कि सेंटर को ऐसी पावर है ऐसा लॉ लाने का। और ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 246 और आर्टिकल 56 एम्पावर करता है सेंटर को एक यूनिफॉर्म लेवल पर डैम सेफ्टी बिल लाने के लिए। तो डैम सेफ्टी बिल क्या है, सारे स्टेट्स में जो डैम्स हैं उन डैम्स का एक यूनिफॉर्म एक सिमिलर काइंड ऑफ सेफ्टी मेजर्स इंट्रोड्यूस किए जाएं, इसके लिए लाया गया है। अब एक और बिल जो राज्यसभा से क्लियर हो गया ये है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, पिछले 3 साल पहले इसको लाया गया था और इसमें अमेंडमेंट किए जाए ताकि जो कन्फ्यूज़न बना हुआ है रिजोल्यूशन प्रोसेस के रिगार्डिंग उसको दूर किया जा सके। अब इसमें एक पॉजिटिव बात यह है कि ये होम बायर्स को भी क्रेडिटर का स्टेटस देता है, और रिजोल्यूशन केसेस अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट में आते हैं तो होम बायर का से भी बढ़ाता है। तो इसका पूरा नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2019। इस प्रोसेस को इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी की प्रोसेस को स्मूथ करने की कोशिश की जा रही है इस बिल के थ्रू। और जो टोटल डेडलाइन रखी गई है पूरे रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए वो है 330 दिन, मतलब एक साल के अंदर अंदर पूरा रिजोल्यूशन किया जाना चाहिए किसी भी केस का, इस बिल के अकॉर्डिंग ऐसी टाइमलाइन लाई जा रही है। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।